इतनी ज़्यादा गर्मी में बाहर जाए बिना और घर बैठे बैठे मिल जाए एक टेस्टी सा कोल्ड कोको ड्रिंक तो मज़ा ही आ जाए, और जिसका टेस्ट भी हो बिल्कुल कैफे स्टाइल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ होम। मैं हूँ निशा। फ्रेंड्स, आपका भी दिल ऐसा ही करता है ना कि घर बैठे बैठे कोई टेस्टी सी ड्रिंक मिल जाए हमें, तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं कैफे स्टाइल कोल्ड कोको ड्रिंक। इसके लिए गैस पे एक पैन रख दिया मैंने, गैस ऑन कर दी है और उसके अंदर डाल दिया 2 ग्लास दूध। ये पहले से उबला हुआ दूध है तो आप भी पहले से उबला हुआ दूध ही लें। 2 ग्लास मतलब कि 600 ग्राम के करीब ये दूध लिया है हमने। और दूध जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब मैं क्या कर रही हूँ कि ग्लास के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और साथ में 2 बड़े चम्मच ही कोकोआ पाउडर डाल रही हूँ। ये अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। और इसके अंदर अब हम ये जो गुनगुना दूध हो चुका है ना, उसमें से थोड़ा सा दूध लेंगे, 3 से 4 बड़े चम्मच आप दूध ले लीजिए। हमें ना इसकी स्लरी बनानी है, घोल रेडी करना है ताकि जब हम इसको दूध में मिक्स करें तो लम्स ना हो, इसलिए हमें थोड़ा सा दूध ऐड करके और इसकी स्लरी बनानी है। दूध मैंने पैन में से ही लिया है जो अभी हमने गर्म होने के लिए रखा है, हल्का गर्म दूध है अभी, तो मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फेंट रही हूँ। ये देखिए एकदम लम्स फ्री स्लरी बन के रेडी हो चुकी है, यानी कि पेस्ट बन गया है। तो एक हाथ से धीरे धीरे इसको दूध के अंदर डालते जाइए और एक हाथ से हम दूध को चलाते जाएंगे। चलाना बिल्कुल भी ना छोड़े, नहीं तो जो कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर का मिक्सचर हमने इसमें डाला है वो तले में चिपक जाएगा, इसलिए लगातार चलाते हुए हम इसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को आप रखिए लो टू मीडियम। ग्लास में हल्की सी स्लरी बच गई है इसलिए थोड़ा सा दूध मैं फिर से इसके अंदर डाल रही हूँ और हिलाकर फिर वापस इसके अंदर हम डाल देंगे। जरा सा भी वेस्ट क्यों करें, बहुत ही जल्दी थिक होने लगता है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रिंक को ना सूरत में सुरती ड्रिंक कहा जाता है, वहाँ की फेमस ड्रिंक है ये कोल्ड कोको ड्रिंक। आप देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। अब गैस के फ्लेम को लो कर दें और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मैंने ग्रेट कर लिया है, या फिर आप थोड़ा थोड़ा चॉप कर दें छोटे छोटे पीसेस में उसको, जिससे कि अच्छे से मेल्ट हो जाए, वो जल्दी से मेल्ट हो जाए, और डाल देंगे इस पैन के अंदर। आप चाहे तो अगर आपके पास डार्क चॉकलेट का कंपाउंड नहीं है तो आप कोई भी डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैडबरी की ले सकते हैं या किसी भी कंपनी के डार्क चॉकलेट इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट डालने के बाद भी आप इसे लगातार चलाएं क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है और तले में चिपक सकती है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिठास के लिए 5 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि हमने इसके अंदर चॉकलेट भी ऐड करी है जो कि मीठी होती है ऑलरेडी। मिक्स कर देंगे चीनी को भी अच्छे से और अब हमें सिर्फ चॉकलेट मेल्ट होने तक और चीनी मेल्ट होने तक ही इसे पकाना है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी ऑलरेडी हो चुका है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो चुका है, जैसे हमें चाहिए। जैसा मिल्क शेक होता है ना, चॉकलेट मिल्क शेक आप जो पीते हैं, उतना ही गाढ़ा है ये, उससे थोड़ा सा गाढ़ा, इससे ज़्यादा इसको हम गाढ़ा नहीं करेंगे, ये देख सकते हैं आप। अब गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिए और इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए अब हम छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कैसी है, इतनी चाहिए। और एक पहचान मैं आपको और बताती हूँ, आप जब इसको स्पैचुला से मिक्स कर रहे होंगे तो उस स्पैचुला को इस तरह से आप उल्टा कीजिए और फिंगर से देखिए, ये देखिए एकदम लाइन आराम से साफ नज़र आ रही है, यानी इतना ही हमें इसे गाढ़ा करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इतना ही क्रीमी होना चाहिए। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो मैंने इसे भर लिया एक जग के अंदर जिससे कि सर्व करना आसान हो जाए, और इस वक्त ये एकदम ठंडा हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ 2 ग्लासेस और इसके अंदर हम डालेंगे आइस क्यूब्स। आप चाहे तो आइस को क्रश करके भी डाल सकते हैं, मैं आइस क्यूब से डाल रही हूँ, छोटे साइज के आइस क्यूब्स है तो अच्छे से डाल देंगे। थोड़ी ज़्यादा सी डालेंगे, कम से कम 7 से 8 आइस क्यूब्स मैं 1 ग्लास के अंदर डाल रही हूँ, छोटे साइज वाली। और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये कोको ड्रिंक। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे छान भी सकते हैं, बट मैं नहीं छान रही हूँ, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है, छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब डाल देंगे बर्फ़ के ऊपर ये ठंडा ठंडा कोको ड्रिंक। तो मैं यहाँ 2 ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ
और आप देख सकते हैं अभी इतनी क्वांटिटी है कि आप एक ग्लास और इससे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एकदम ठंडा ठंडा मार्केट जैसा एकदम कैफे स्टाइल कोल्ड कोको ड्रिंक घर पे बनके एकदम रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बना है ये। आप सर्व करने से पहले इसे हल्का सा मिक्स कीजिए, क्योंकि आइस क्यूब्स डाली हैं तो मेल्ट हो जाती है आइस ना, ऊपर हल्का हल्का सा वाटर आ जाता है। तो हल्का सा मिक्स कीजिए और इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कोल्ड कोको ड्रिंक कैसी लगी। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।